गाइस, गुड मॉर्निंग। अब हम निकल रहे हैं जैसलमेर के लिए। आज है डे टू। और ये आ गए हम जैसलमेर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी मूवी की सेट पे आ गई हूँ, बट जोक्स अपार्ट, जैसलमेर इज़ अ गोल्डन सिटी और यहाँ पे सारे घर और सारे होटल्स येलो पत्थर के बने होते हैं। ये हमारे रूम का 360 डिग्री व्यू, नाइस ना। ये है पटो की हवेली और ये गाइड हमें बता रहे हैं इसके बारे में। और गुमान मल बापना के पांच बेटे थे, पांच बेटों के रहने के लिए नंबर से पांच मकान बनाए हुए। एक मकान को बनने में 12 साल लगे, पांचों को बनने में 60 साल लगे। पहला मकान वहाँ से लेकर इसको यहाँ तक ले जो आदमी कुछ लगा कर यहाँ पर, ये यहाँ के एक जीवनलाल कोठार करके उन्होंने खाई दिया, ऊपर म्यूजियम बना दिया, नीचे दुकान खोल दिया। दूसरी ये अपने सीधे सामने वाली हवेली है, ये गवर्नमेंट ने खाई थी। मतलब ये हवेली बिकने के बाद में 1974 में इंदिरा गांधी जैसलमेर आई थी, उसने देखा कितनी अच्छी हवेलियाँ हैं, वो भी एक आदमी के पास है, ये किसी को न बेच दे, तो इनसे बातचीत करके दो हवेलियाँ गवर्नमेंट ने 80,000 में, मतलब 1,60,000 में, एक ये वाली और एक 2,00,000 वाली, दो हवेलियाँ गवर्नमेंट ने कर दी। बस 1,00,000 में, हाँ सर, उसमें यहाँ कोई नहीं आता। जैसलमेर के सुनहरे फोर्ट में आप सबका स्वागत है। मैं अधिकतर लोगों को देखती हूँ जब भी छुट्टी हुई, बैग पैक किया, गोवा निकल गए। डूड, देयर इज़ अ लॉट मोर टू सी इन इंडिया, द ग्रेट इंडियन कल्चर। हम जा रहे हैं अभी फोर्ट के सबसे ऊंचे वाले हिस्से पे, जहाँ से हमें पूरा जैसलमेर दिखेगा। और रास्ते में छोटे छोटे शॉप्स थे जिसमें इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी, मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे अपने आप को कंट्रोल किया। मेरी नज़रें तो जा ही रही थी, पर मेरा मन बोल रहा था नो रश्मि नो, सीधे चलो आगे देखो। पर मैं जोधपुर में ऑलरेडी काफ़ी शॉपिंग कर ली थी, इसलिए भी मुझे कुछ लेना तो नहीं था, पर चीज़ें इतनी अच्छी दिख रही थी कि मेरा मन जा रहा था, पर क्या कर सकते हैं। निशान भी पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी कि कहीं रुक तो गई नहीं, कुछ लेने तो नहीं लग गई। ये है फोर्ट से पूरे जैसलमेर का नज़ारा, पूरा शहर दिखता है यहाँ से। हम मेरे तो पैर कांपने लगे थे, इतनी ऊंचाई पर था ये, पर ये नज़ारा काफ़ी काफ़ी सुंदर था ये।
लो जी ये आ गए हम गादीसर लेक। यहाँ पे लोग बोटिंग करने और सनसेट का नज़ारा देखने आते हैं। हम तो अपनी बोट में बैठ गए हैं, अब देखते हैं कि प्यारा सा सनसेट। Look at the sunset. एंड इट्स डिनर टाइम। फाइनली आज का दिन हमारा ख़त्म हुआ। मिलती हूँ आपको फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बने रहिए मेरे चैनल स्वैग वाली श्रीमती पर। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून। एंड हाँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।